भरतपुर के मथुरा गेट इलाके में दिन दहाड़े दो बदमाश एक मकान में घुसकर बदमाशों ने घर में तिजोरी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन घर के दूसरी मंजिल पर मौजूद महिला को बदमाशों के घर में घुसने का एहसास हुआ और वह तुरंत नीचे आई, जिसके बाद बदमाश बिना कुछ चोरी किए भाग गए। घटना मथुरा गेट चौकी से महज 50 मीटर की दूरी है। दोपहर करीब 1 बजे 3 बाइक सवार बदमाश भगवान नाम के व्यक्ति के घर के बाहर पहुंचे, जिसमें से दो बदमाश घर के अंदर में घुसे। उसमें से एक बदमाश के हाथ में लोहे का सरिया था। घर के अंदर भगवान के मां लक्ष्मी देवी सो रही थी, उसी कमरे में तिजोरी रखी थी। बदमाश कमरे में घुसे और उन्होंने गोदरेज की अलमारी खोली, तभी घर की दूसरी मंजिल पर मौजूद भगवान सिंह की पत्नी माया चंदानी को घर में किसी के घुसने का एहसास हुआ तो वह तुरंत नीचे आई। माया चंदानी को आते हुए बाइक लेकर बाइक खड़े बदमाश ने देख लिया। बाइक सवार बदमाश माया को देखकर अपने दोनों साथियों को छोड़कर भाग गया। दूसरी तरफ नकाबपोश बदमाशों को देख माया ने शोर मचाया तो दोनों बदमाश भी घर से भाग खड़े हुए, जिसके बाद माया ने घटना के बारे में अपने पति को बताया और पुलिस को सूचना दी। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, जिससे बदमाशों का पता लगाया जा सके। सही है, अभी सूचना मिली थी कि 12:30 बजे के आसपास तीन नकाबपोश व्यक्ति थे, जिनमें से एक बाइक को छोड़ के चला गया और दो उसमें घर में आए और चोरी करने के मदद से घर में घुसे थे। जब मकान वाले को पता चलने पर वो भाग गए। FIR वगैरह हो रही है? हाँ, FIR दे रहे हैं, प्रकरण दर्ज कर तलाश कर। ठीक सर। तो वहाँ से दो बाइक पे लड़के आए तो दोनों अंदर आ गए, एक बाइक से चला गया। तो मैंने फिर अपने कैमरे में देखा तो वो अंदर तक आया तो हमारे लॉकर में से कवर खोल रहे थे, कवर खोला फिर लॉकर खोला। तो मैंने ऊपर से जब से नीचे सीढ़ी तक आई है तो मैंने कहा कौन है, तो ये गली से बाहर आकर भाग गया। उनके हाथ में कैमरा सरिया था, फिर भाग गए वो, कुछ ले जा नहीं पाए। नहीं, कुछ नहीं ले जाए भाई, जब तक मैं आ गई। कितने लोग थे? दो जने थे। मोटरसाइकिल पे तीन या दो? मोटरसाइकिल पे तीन थे, अंदर दो थे। तो फिर इसके बाद सूचना किसको दी आपने? सूचना मैंने अपने बेटे को बुलाया, फोन किया। जब तक ये आए मेरे हस्बैंड आए तब तक चले गए। भैया आना, क्या नाम है आपका? सुषमा। भैया आ जाओ, माया चंदानी।